गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, अमन यादव ने मुझसे एक फ्रेज पूछा था, सम अप। उसके साथ साथ मैं अपना डाउट बता रहा हूं, इन ए हफ। ये मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, इन ए हफ। बहुत ही प्यारा वर्ड है दोस्तों, बहुत ही प्यारे फ्रेजेस हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक रहें, उसके एक एक बात को समझिए, सेंटेंस मेकिंग समझिए, उसका स्ट्रक्चर समझिए और प्रैक्टिस करने के बाद उसको बोलने की कोशिश करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आने वाला हूं जो हमारी इंग्लिश को डेकोरेटिव, अफेक्टिव, इंप्रेसिव बना देगी और हमारी भाषा में चार चांद लगा देगी। तो दोस्तों, चालू करते हैं उन फ्रेजेस का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं सम अप, जो मुझे अमन यादव ने पूछा था, जिसका मतलब होता है गिव अ ब्रीफ समरी, संक्षेप में लिखना, सारांश देना, अंदाजा देना। तो जब कोई भी बड़ी बात को संक्षेप में बताते हैं, संक्षेप में, शॉर्ट में बताते हैं, तब हम लोग कहेंगे सम अप, जिसको हम लोग समराइज भी कह सकते हैं, सम अप या समराइज। कुछ सेंटेंस लेते हैं दोस्तों। आई विल सम अप हिज लॉन्ग स्पीच, उसके लंबे भाषण का मैं सारांश दूंगा, मैं उसके लंबे भाषण का सारांश दूंगा, क्योंकि भाषण बहुत लंबा है, मैं उसकी खास खास बातें मैं आपको बता दूंगा, तब हम लोग बोलेंगे सम अप। प्लीज सम अप द आर्टिकल, कृपया आर्टिकल को संक्षेप में लिखें, कृपया आर्टिकल का समराइज करें, कृपया आर्टिकल को शॉर्ट में लिखें, कृपया आर्टिकल को छोटा करें, तब हम कहेंगे प्लीज सम अप द आर्टिकल। या नेक्स्ट, आई कैन सम योर वीडियो अप इन 3 words, वेस्ट ऑफ टाइम। आप इसको किसी किताब के बारे में कह सकते हैं, किसी आर्टिकल के बारे में कह सकते हैं, किसी स्पीच के बारे में कह सकते हैं कि आई कैन सम योर बुक अप इन 3 words, वेस्ट ऑफ टाइम। आई कैन सम योर स्पीच अप इन 3 words, वेस्ट ऑफ टाइम। मैं तुम्हारे वीडियो को 3 शब्दों में बयां कर सकता हूं, मैं तुम्हारे वीडियो को 3 शब्दों में संक्षिप्त में बता सकता हूं, समय की बर्बादी, वेस्ट ऑफ टाइम। ये तुम्हारा वीडियो मेरे को पसंद नहीं आया, ये वेस्ट ऑफ टाइम था, बस 3 शब्दों में मैंने इसको समराइज कर दिया, 3 शब्दों में मैंने इसको छोटा कर दिया, वेस्ट ऑफ टाइम, 1, 2, 3। ओके, आप मेरे वीडियो के बारे में शायद ऐसा ना बोलेंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत अच्छे सेंटेंसेस हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, नया फ्रेज इन अ हफ जो मुझे न्यूज़पेपर में मिला था, इन एन ऑफेंडेड मैनर, चिढ़ में, गुस्से में, नाराजगी में, एंग्रीली, नाराज होकर, नाराजी से या गुस्से में, इन सेंस में आएगा इन ए हफ। एकदम गुस्से में उबल रहा है, एकदम गुस्से में उबलते हुए, एकदम नाराज होकर, तब हम बोलेंगे इन अ हफ। शी वॉक्ड आउट इन ए हफ, वह गुस्से में बाहर आ गई, वो गुस्से में बाहर चली गई। When he criticized her, जब उसने उसकी क्रिटिसाइज की, जब उसने उसकी बुराई की, शी लेफ्ट द हाउस इन अ हफ। जब उसने उसकी बुराई की, जब ही ने शी की बुराई की, तब उसने मकान को गुस्से में छोड़ दिया, तब वो गुस्से में चली गई। शी लेफ्ट द हाउस इन अ हफ, तब उसने मकान को गुस्से में छोड़ दिया, एकदम गुस्से में बाहर चली गई, जब उसने उसकी क्रिटिसाइज की, जब उसने उसकी बुराई की। नेक्स्ट, डोंट शाउट इन ए हफ, इट वॉज ओनली अ जोक। गुस्से में मत चिल्लाओ, यह केवल एक मजाक था, यह केवल एक जोक था, चुटकुला था। गुस्से में मत चिल्लाओ, यह केवल एक जोक था, एक चुटकुला था, इसको सीरियसली मत लो। लास्ट सेंटेंस दोस्तों, ही रिएक्टेड इन ए हफ व्हेन ही लॉस्ट। उसने गुस्से में रिएक्शन दिया जब वो हार गया। हार जाने के बाद उसने गुस्से में रिएक्शन दिया, प्रतिक्रिया दी। बहुत ही बढ़िया फ्रेज था दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको दोनों फ्रेजेस समझ में आ गए होंगे, बहुत अच्छे थे, छोटे थे, समझिए और बोलने की कोशिश करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।
क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आने वाला हूं जो हमारे इंग्लिश को अफेक्टिव डेकोरेटिव इंप्रेसिव बना देगी और हमारी भाषा में चार चांद लगा देगी। तो दोस्तों वीडियो छोड़ने के पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। बहुत जल्द मिलेंगे आपके और मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।